हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था इक्वेशन ऑफ द लाइंस। इस पार्ट में हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का एरिया जिसके तीनों बिंदु या चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके चारों बिंदु दिए हों कैसे निकालेंगे। इसके पहले भी इसके बारे में हम बता चुके हैं, लेकिन कुछ शॉर्ट तरीका बताते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किसी त्रिभुज के तीनों बिंदु दिए हुए हों तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। जैसे तीन बिंदु हैं 0.8, 0.0 और 5.0। ये त्रिभुज के तीन बिंदु हैं, त्रिभुज के तीन बिंदु दिए हुए हैं और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें 0.0 दिया है, इसको आप काट दीजिए और ये दो बिंदु बचे हैं, तो जो इसका जो बाहरी बिंदु है उनका मल्टीपल 0 और माइनस डिफरेंस होगा और इसका मल्टीपल, तो ये आपका आ गया 20 वर्ग इकाई। इस तरह आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अगर उसका तीनों बिंदु दिया हुआ हो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे दिया हुआ है 1.8, 8.9, 2.1। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसमें क्या करेंगे? इसमें तो कोई भी बिंदु 0 नहीं है, इसमें आपको 0 बनाना पड़ेगा। मान लीजिए 2, 1 है तो इसको 0 कैसे बनाएंगे? -2 जोड़ेंगे और -1 जोड़ेंगे, ठीक है। इसको आप ओरल भी कर सकते हैं, ये चीज तीनों में जोड़ेंगे। 1 को हमें 0 बनाना है, -2 इसमें जोड़ेंगे, इसमें भी -1, इसमें भी -2 -1। वैसे ये ओरल हो सकता है लेकिन आप करें, ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 8। ये कैंसिल हो गया, बाहर का गुणनफल -8 माइनस इंटरनल 742 ये आपका आ गया -50/2, 25 वर्ग इकाई। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ये चीज आप मौखिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। बिंदु दिया हुआ है 4.5 -3.8 -3.-4, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसमें भी आप किसी भी एक बिंदु को आपको 0 करना है। इसको कर लीजिए, -4 और -5 जोड़ेंगे, इसमें -4 सभी में ऐसा करेंगे, -4, -5 ये 0 हो गया, ये आपका हो गया -7 और -3, ये आपका हो गया -1, -9। वाह गुणनफल प्लस का 7×9 = 63 और माइनस डिफरेंस -3/2, 63 और 3 66/2, ये आपका आ गया 33 वर्ग इकाई। त्रिभुज का एरिया निकल गया। इस तरह आप आसानी से कम समय में किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हों। इसी प्रकार आप किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं जिसके चारों बिंदु दिए हुए हों। जैसे कि किसी चतुर्भुज के चार बिंदु दिए हुए हों 5.3 -4.7 -3.-2 और 6.-4, इसका एरिया आपको निकालना है। इसमें आपको कुछ मानने की जरूरत नहीं है, x1, y1, x2, y2, x3, y3। इसमें किसी एक बिंदु को आपको 0 करना है, जैसे +3, +2 से 0 हो जाएगा, सभी में आप जोड़ दीजिए +3, +2, +3, +2, +3, +2, तो ये हो गया 8.5, ये हो गया -1.9, ये कट गया, ये हो गया 9.-2। ये आप ओरल भी कर सकते हैं। फिर से आपको किसी एक को 0 बनाना है, इसी को बना लीजिए -9.+2, -9.+2, -9.+2, तो ये आपका हो गया -1.7, ये आपका हो गया -10.11, ये आपका 0 हो गया। अब वैसे ही -11 और माइनस फिर इसका -70, ठीक है। तो ये हो गया -11 + 70, कितना बचा? 59। इसमें बटे दो नहीं करना है क्योंकि चतुर्भुज में दो ट्रायंगल ऐड हो रहे हैं, तो बटे दो +1 हो जाएगा, इसीलिए 59 वर्ग इकाई।
इस तरह किसी भी त्रिभुज का एरिया हम निकाल सकते हैं अगर तीनों बिंदु दिए हो, और किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जिसके चारों बिंदु दिए हो। इसमें आपको हाफ नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।